शादी के लिए शानदार तैयारियां की गईं। शहजाद का लिबास सुनहरे धागों से तैयार किया गया। इसके लिए समंदरों से मोती खोज कर लाए गए। उसके गुलूबंद में अंडे के बराबर हीरा सजाया गया। पूरी सल्तनत और दुनिया भर से चुनकर इतर उसकी खिदमत में पेश किए गए। उसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कई दिनों तक तरह तरह की जड़ी बूटियां, तेल और महलूल उसके जिस्म पर मले गए। मेहंदी के खूबसूरत और नाजुक नक्श से उसके हाथ और पैर सजाए गए। शादी की रात दुल्हन की सेज दूर दराज के बागों से लाए गए फूलों से सजाई गई। कमरे के चारों कोनों और बिस्तर के नीचे खुशबूदार गांव लोबान जलाए गए। लेकिन आप ये ना समझें कि यह सब बादशाह के हुक्म पर हो रहा था। वो शादी की रात से ज्यादा इसके बाद आने वाली सुबह की तैयारियों में दिलचस्पी रखता था। दुल्हन का सर कलम करने के लिए सबसे वजनी और तेज तलवार का इंतखाब किया गया और उसका खून जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन फर्श पर रखे गए। बादशाह बजाते खुद हर दुल्हन के लिए जलाद का इंतखाब करता। जितनी ज्यादा खूबसूरत दुल्हन होती, जलाद उतना ही ज्यादा खूनखार होता। सर कलम करने के बाद खसूसी मुलाजिम फर्श की सफाई पर मामूर थे। बादशाह चाहता था कि जुल्म के तमाम निशानात मिनटों में साफ कर दिए जाएं। अगर बदकिस्मती से खून का एक कतरा भी नजर आ जाता तो सफाई करने वालों की पूरी टीम का सर कलम कर दिया जाता। बादशाह ये चाहता था कि इसकी आवाम सिर्फ ये याद रखे कि किस तरह पहली मलका ने बादशाह को धोखा दिया, किस तरह वो बादशाह की गैर मौजूदगी में एक गुलाम के साथ सोती और बाग में फहश रक्स करती थी। उसने अपने पागलपन को एक एहसान का तासुर देने की कोशिश की। वो चाहता था लोग ये समझें कि रोजाना एक कंवारी लड़की से शादी करके और दूसरी सुबह उसे कत्ल करवाकर वो इन सब को एक बहुत बड़ी बुराई से बचा रहा है। वो ना सिर्फ ये चाहता था कि जुल्म के तमाम निशानात मिट जाएं, बल्कि उसने ये भी यकीनी बना दिया कि बाहर की दुनिया को महल के अंदर होने वाली कार्रवाइयों की भनक भी ना पड़े। किस तरह दुल्हनों को आरामगाह से बाहर घसीट कर निकाला जाता, किस तरह वो अपनी जिंदगी बख्शने के लिए गिड़गिड़ाती हैं, किस तरह ज़िबा हो जाने के बाद भी उनके जिस्म जिंदगी की तरफ लौटने के लिए देर तक फड़फड़ाते रहते हैं, किस तरह इस पास की जमीन और बाज़ोकात बादशाह का लिबास भी खून से सुर्ख हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं चाहता था कि ये सब बाहर के लोगों को पता चले। चुनाचे उस भयानक खेल में मुलवस पूरे अमले के कानों में उसने पिघला हुआ सीसा डलवा दिया ताकि वो इन मजलूम दुल्हनों की फरियाद और रोना पीटना ना सुन सके। और अगर ऐसा हो भी जाता, वो ये सब किसी को नहीं बता सकते थे क्योंकि उनकी जुबानें काट दी गई थी। ये सब सुनने के बाद आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि दुल्हन के लिए ये सारी तैयारियां शहरजाद के बाप ने की होंगी, आखिर के वो वजीर आजम था। जी नहीं, इन सब से इसका कुछ लेना देना ना था। वो इन सब में मुलव्वस नहीं होना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जो रास्ता उसकी बेटी ने चुना है वो सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। वो शादी की सेज पर नहीं, कत्लगाह की तरफ जा रही थी। लेकिन वो इस मामले में मजबूर था। वो बादशाह के हुक्म पर सैकड़ों मासूम लड़कियां उस कत्लगाह में लाया था और अब सिवाय उसकी दो बेटियों शहरजाद और दुनियाजाद के सल्तनत में कोई और कमारी लड़की नहीं बची थी। सैकड़ों मारी गई थी और हजारों इस मुल्क से कूच कर गई थी। जब एक मुल्क पर ऐसे जालिम हुक्मरान की हुकूमत हो तो लोग यही करते हैं। जब बादशाह ने शहरजाद को लाने का हुक्म दिया तब वजीर आजम ने भी वहां से भागने का सोचा, लेकिन उसकी बेटी ने इनकार कर दिया। वो यहीं रुककर इस शैतानी खेल से लड़ने और इसके खात्मे का इरादा रखती थी। वो जानता था कि वो जवान और कमजोर है और इसका कोई हिमायती भी नहीं है। वो ये भी जानता था कि बहसियत एक औरत के इसका इस ताकतवर जाबर बादशाह से कोई मुकाबला ना था। लेकिन शहरजाद ये जानती थी कि बहसियत एक औरत के वही तमाम ताकतों का सरचश्मा है। वो अपनी कमजोरियों से वाकिफ थी, लेकिन यहां लाई और कत्ल की जाने वाली दूसरी लड़कियों के बरक्स वो ये भी जानती थी कि उन्हें किस तरह ताकत में बदला जा सकता है। बादशाह भी जानता था कि शहरजाद जिद्दी और जुर्रतमंद है। उसके जासूसों ने बताया था कि वजीर आजम अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुल्क से भाग रहा था।
मगर शहरजाद ने उसे रोक दिया। चुनाचे बादशाह ने भी शहरजाद को जेर करने के लिए एक दो चालें तैयार कर ली। उजरे और उसी में दाखिल होते ही बादशाह ने जलते हुए लोबान की तरफ इशारा करके पूछा, ये सब क्या है? जज्बात की खुशबू आली जा, शहरजाद ने जवाब दिया, मुझे खून की बू ज्यादा पसंद है। बादशाह ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, यहां इतने फूल क्यों सजाए गए हैं? ये चाहत के फूल हैं आलीजा, शहरजाद बोली। ये सुनकर बादशाह बागीचे की खिड़की की तरफ गया और उसे खोलकर खड़ा हो गया। वहां एक खूनखार शख्स तेज रोशनी में खड़ा तलवार तेज कर रहा था। ये देख रही हो तुम? बादशाह ने पूछा। आज की रात मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया है आलीजा, शहरजाद ने कहा। कल सुबह मैं दूसरी बातों पर तवज्जो दूंगी। अब कोई कल नहीं आएगा, बादशाह ने कहा। सूरज बादलों के पीछे भी चमकता है, कल सुबह जरूर आएगी। शहरजाद बहुत पुरउम्मीद थी। देखते हैं, ये कहते हुए बादशाह ने दरवाजा खोला। एक गुलाम ने छोटी सी बोरी कमरे में फेंकी। बोरी के अंदर कोई चीज तकलीफ और गुस्से से चिल्लाने लगी। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, उसमें से एक बिल्ली निकलकर खिड़की की तरफ भागी। लेकिन इससे पहले कि वो खिड़की तक पहुंचती, बादशाह ने तलवार के एक ही वार से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर शहजाद के चेहरे के सामने तलवार लहराते हुए बोला, मुझे परेशान किए जाना पसंद नहीं। ये तो एक बिल्ला था, अगर कोई बिल्ली होती तो कभी यूं भागने की कोशिश ना करती, शहरजाद ने मुस्कुरा कर कहा। मुस्कुराहट देखकर बादशाह घबरा गया। उसने तलवार म्यान में डाली और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। काफी देर यूं ही गुजर गई। फिर एक कुर्सी पर बैठकर उसने शहरजाद से पानी लाने को कहा। जी हजूरे वाला, ये कहते हुए उसने बादशाह की तरफ पानी का गलास बढ़ाया। फिर बोली, पानी बिल्कुल एक मरहम की तरह है, क्योंकि इसमें तब्दील हो जाने की सलाहियत है, बिल्कुल एक औरत की तरह। तब्दील होने की सलाहियत औरत में नहीं, मर्द में होती है। औरत के पास कोई ताकत नहीं होती, बादशाह बिगड़ गया। अगर आपके ख्याल में पानी बेबस है तो फिर औरत भी बेबस होती होगी, शहरजाद फिर मुस्कुराई। उसका सर कलम करने से पहले मैं दो काम जरूर करूंगा, एक तो इससे कबूल कराऊंगा कि औरत कमजोर होती है, दूसरे इसकी ये मुस्कुराहट इसके चेहरे से मिटा दूंगा। बादशाह ने दिल में तहिया कर लिया। वो बहार की एक शाम थी, पार्क मुख्तलिफ आवाजों से गूंज रहा था। इंसानों और जानवरों दोनों की बच्चे हंस रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। जवान माओं ने अपने बच्चों को पुकारा और उन्हें तमीज से रहने को कहा। बच्चे कहां सुनते हैं, वो अपनी पकड़म पकड़ाई में मगन रहे। पकड़ लिया, बच्चे ने दूसरे बच्चे को छूते हुए कहा, अब तुम चोर बनोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पकड़ने से पहले घर पहुंच गई थी, दूसरे बच्चे ने कहा। समंदर गहरा है मेरी बहना, समंदर गहरा है, दुनिया जात बोली। कितना गहरा मेरी बहना, कितना गहरा, शहरजाद ने पूछा। मेरे पैरों तक प्यारी बहन, मेरे पैरों तक, दुनियाजाद ने जवाब दिया। कितना गहरा बहन, और कितना गहरा? मेरे घुटनों तक, मेरी कमर तक, मेरे सीने तक, मेरी आंखों तक। वो दोनों अपने घर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई और महल पहुंचा दी गई थी। अब दोनों इस फिक्र में थीं कि अपनी जान कैसे बचाएं। लेकिन क्या वाकई में कभी कोई घर था? शायद नहीं। वो तभी तक महफूज थी जब तक इज्जत और नामूस के जनून में मुब्तला उम्र रसीदा मर्दों के बनाए हुए असूलों के मुताबिक चलती रहती। आखिर उनकी इज्जत का मामला हमेशा औरत के जिस्म से ही क्यों जुड़ा होता है, दुनियाजाद ने पूछा। क्योंकि इस तरह वो आजादी से अपनी मर्दानगी की नुमाइश कर सकते हैं, शहरजाद ने कहा। दुनिया के एक दूसरे कोने पर जहां बहार बहुत मुख्तसर होती है और गर्द आलूद सर्दियों के फौरन बाद वहां घुटन ज़दा गर्मियां शुरू हो जाती हैं, एक कारी अपने भाई से कह रही है, मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, मेरी आबरू लूटी गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिना जिना है, जबरदस्ती हो या मर्जी से, तुमने खानदान की इज्जत खाक में मिलाई है, भाई ने अपनी बंदूक से बहन का निशाना लेते हुए कहा। पकड़ लिया, लड़के ने लड़की को छूते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर हूं, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन घर है कहां, लड़के ने सवाल किया। लड़की ने सिसकते हुए अपने इर्द गिर्द देखा।
बादशाह एक बुरा इंसान था, लेकिन इससे भी बुरे वो लोग थे जिन्होंने बादशाह की तरफदारी में कहानी लिखी। शहरजाद बोली, वो कहते थे कि बादशाह ने रोजाना एक औरत का कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसकी पहली बीवी ने उससे बेवफाई की थी। हाँ, लेकिन साथ वो ये भी लिखते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। दुनियाजाद ने कहा, वो जो चाहें कह सकते हैं, मगर वो मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाएंगे। शहरजाद ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी माँ की मोहब्बत को तो समझते हैं। दुनियाजाद बोली, वो नहीं समझते, वो इसका मुतालबा करते हैं, ठीक इसी तरह जैसे अपनी बहनों और बीवियों से मोहब्बत का मुतालबा करते हैं। शहरजाद ने कहा, पाकीजा और बेगर्ज मोहब्बत से मर्द घबराते हैं। क्यों? दुनियाजाद ने पूछा। मर्द जिस चीज पर अपना हाथ रख लें उसे अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को महसूस किया जाता है, बांटा जाता है, ये किसी की मलकियत नहीं बन सकती, और जिस पर यह कब्जा नहीं कर सकते उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। दुनियाजाद ने इसमें इजाफा करते हुए पूछा, तुमने उसे राम कर लिया? कैसे? हम औरतों को अक्सर जंगली जानवरों को सधाना पड़ता है। ये शहरजाद का जवाब था। बादशाह, जो शादी की रात से ज्यादा अगली सुबह कत्ल के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता था, शहरजाद से बोला, जो तुमने कहा वो साबित करो, वरना अलीजा, मुझे तो वैसे भी मर जाना है, मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? शहरजाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बादशाह को भी एहसास हो गया कि इसके पास लड़की को डराने के लिए कोई और हरबा नहीं, चुनाचे वो कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शब खाबी के लिबास में वापस आया, लेकिन वो अपनी तलवार साथ लाना नहीं भूला था। साबित करो कि औरत मर्द से ज्यादा समझदार होती है, वरना, उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आलीजा, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत से ज्यादा बुरी चीज और कुछ नहीं। मेरे पास अपना नुक्ता साबित करने के लिए 1001 कहानियां हैं, वो मैं आपको सुना सकती हूं, लेकिन खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मुझे कहानियां सुनाना पसंद है। शहरजाद बोली, जो भी है शुरू करो, बादशाह ने इशारा किया। लेकिन एक मसला है आलीजा, शहरजाद ने कहा। और वो मसला क्या है? बादशाह ने पूछा। मैं कहानी उस वक्त तक नहीं सुना सकती जब तक मेरी छोटी बहन साथ ना हो, शहरजाद ने बताया। चुनाचे फौरन दुनियाजाद को बुलवाया गया। दुनियाजाद आई और उसने अदब के साथ फर्जी सलाम किया, जैसे तमाम मर्द और औरतों को करना होता है, और फिर बादशाह के कदमों में बैठ गई। बाज मर्दों को अच्छा लगता है जब औरतें उनके कदमों के पास बैठती हैं। दुनियाजाद के पास बैठने के साथ ही शहरजाद ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बगदाद के करीब एक शहर का सरदार ताजर अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों से वसूली करने निकला। दोपहर के वक्त वो एक नहर के किनारे रुक गया, घोड़े को दरख्त से बांधकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करके उसने कुछ खजूरें निकाली और उन्हें भी खाने लगा। खाने के बाद उसने बीज जोर से फेंके कि अचानक एक बड़ा सा खौफनाक कफरियत हाथ में तलवार लिए नमूदार हुआ। तुमने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अफरियत ने ललकारा। चूंकि शहरजाद दास्तान गुई में माहिर थी, चुनाचे ताजर और अफरियत की कहानी आगे 3 शेखों तक चली गई, जिनमें से एक के पास गजाल था, दूसरे के पास 2 शिकारी कुत्ते और तीसरे के पास से खच्चर था, और इनसे आगे मछेरे और जिन्नी की कहानी तक। पार्क में शहरजाद अगली सर्दियों के लिए गर्म शॉल बुनते बुनते रुक गई और दुनियाजाद से बोली, अंधेरा बढ़ रहा है, चलो घर चले। अलप लैला हो या सिकंदरिया, औरत आज भी कहीं महफूज नहीं। वो छोटी सी बच्ची जो समझ रही थी उसके पास घर है, रोती हुई कार तक गई जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। कारी ने आखिरी बार अपने भाई की तरफ देखते हुए खुद से सवाल किया, आखिर मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरा मारना क्यों जरूरी है? बादशाह ने शहरजाद को 1 दिन मजीद जिंदा रहने दिया। शहरजाद जानती थी कि उसे एक वक्त में एक ही कदम उठाना है, इसलिए उसे फिक्र नहीं थी। पार्क में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी को निगल गया, लेकिन शहरजाद ने कार में भी अपनी बुनाई जारी रखी, और इसकी अधूरी शाल ने दुनिया को नरमी के साथ अपनी गर्म आगोश में ले लिया।